प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को एक रात में बैठकर था लिखा मैं। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अभी के व्लॉग्स में। तो आज है टीचर्स डे, सभी को टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, कॉलेज जाते कॉलेज देखते कॉलेज में क्या होता है। सो गाइस, अभी हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट, 11:30 बजे बुलाया था और हम लोग अब बज रहे हैं 12। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अरुण भाई हमें मिले अभी रास्ते में। अरुण भाई काफ़ी लेट हो गए आप यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग। प्रसाद बट रही है, देख सकते हो आरती में आए नहीं और प्रसाद खाने आ गए हम लोग। आरती जबरदस्त खत्म होते हुए यहाँ पास, और क्या हो गया आपसे? प्रसाद ही खा लेते हैं यार, चल रही है प्रसाद ही वितरण। और यहाँ पे भी डांस होगा, एक प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम। पीछे की साइड में जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं सब लोग आगे आ जाओ। वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू द टीचर्स, माई सेल्फ प्रतीक्षा लाड। आज मैं एक पोएट्री डेडिकेट करना चाहूंगी सम्माननीय टीचर्स के लिए, जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, लाइफ एक्सपीरियंस किया है कि टीचर्स का कितना योगदान रहा है, उनका क्या समर्पण रहा है और उन्होंने कितने त्याग से हमें पढ़ाने में हमारी मदद की है। तो उसकी पंक्तियां कुछ यूं हैं, मुझे आप सभी विद्यार्थियों का भी समर्थन चाहिए कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं। पंक्तियां कुछ यूं हैं कि हाथ पकड़कर लिखना सिखाने वाले हो आप, और जब पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तब भी कैसे पढ़ते रहना है ये बतलाने वाले हो आप। स्वयं को जलाकर हमारा जीवन रोशन करने वाले हो आप, और कुछ शरारत कर देने पर तुम्हारे घर पर बताओ हमें सुधारने वाले भी हैं आप। आपके ही डर से तो हमने सब कुछ था याद किया, और जिन एग्जाम्स के नाम से भी हमें लगता था डर, उन एग्जाम्स को भी हमने सहजता से पार कर लिया। अगर हमें कोई बात समझ ना आए तो आप कईयों बार समझा देते हैं, और बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपना फ्री पीरियड भी हमें पढ़ाने में गवा देते हैं। आपसे ही तो हमने डिसिप्लिन था सीखा, और महीनों पहले दिए हुए प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को एक रात में बैठकर था लिखा। मैं सोचती हूँ कि आप कैसे सब इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बना देते हैं। जो चीज़ें बुक्स में से पढ़ने पर हमारे ऊपर से चली जाती हैं, उनको आप बड़ी सहजता से हमें समझा देते हैं। अगर शिक्षक ना होते, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर शिक्षक ना होते तो ना जाने क्या होता इस संसार का हाल। फिर ना होते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ना ही होते रेस्पेक्टेड APJ अब्दुल कलाम। अब मैं विद्यार्थियों से कुछ आखिरी पंक्तियाँ हैं, उसमें आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। आप बताइएगा हाँ या ना में जवाब अपना, कि क्या संभव है बिना शिक्षकों के JEE, NEET, UGC, NET जैसे एग्जाम्स क्रैक करना, या फिर एक बड़ा सरकारी अफसर बनना? बताइए जरा। यदि आपका जवाब है ना, तो शिक्षकों के लिए अपने हृदय में रेस्पेक्ट थोड़ा और बढ़ा देना, क्योंकि यही वो आखिरी उम्मीद है जो हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। नहीं तो बिना शिक्षकों के तो हम बच्चे मझधार में ही डूब जाएंगे, मझधार में ही डूब जाएंगे। भाई पारी ने पूरा गेम बिगाड़ दिया यार पारी, और सबने सोचा था देखो सब बच्चे छुपे हुए एक तरीके से, मतलब बारिश में इधर देखो हाथ, उधर कितने सारे बच्चे एक साथ छुपे हुए ये रहे। इतने ही शिद्दत से, इतने ही उत्साह से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा इसका
सभी टीचर्स दो मिनट स्टेज पर ही रहे हैं। सभी टीचर्स स्टेज पर ही रहे। एक सरप्राइजिंग न्यूज आई है कि आज हमारे टीचर का बर्थडे है, प्रियंका मैम का। तो एक बार जो अपनी जगह पर फैलो चार में विश करें हैप्पी बर्थडे। हमारे भी जीडी सर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां। गीला होके, गीला होके। गुजो भैया एक पहेली जब काटो तो नहीं करेगी। टाइम स्टार्ट करो। गुजो भैया एक पहेली जब काटो तो नहीं करेगी। नाखून। अगर
माचिस। ऐसा कौन सा फूल है? Wait a minute.